वहां पर आप जो पुरी गए हो वहां पर तोटा गोपीनाथ देखे होंगे, देखा है ना, ठाकुर जी जो खड़े थे, जो ठाकुर जी बैठे थे वहीं पर श्री गदाधर पंडित रहते थे और गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु रोज वहां जाते थे। हैं? क्यों जाते थे? बोले कथा सुनने के लिए जाते थे, गदाधर पंडित से कथा सुनने के लिए जाते थे। तब गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे, बोले प्रभु आज क्या कथा सुनोगे, आज क्या कथा सुनोगे? बोले हमें भक्तों का कथा सुनाओ। किसका कथा सुनाओ? हमें भक्तों का कथा सुनाओ, बारंबार भक्तों का चरित्र सुनाओ। तो गदाधर पंडित पूछते थे, प्रभु आप भक्तों का कथा क्यों सुनोगे, कारण क्या? बोले कारण है, भक्तों का जब कथा सुनेंगे उनकी हर चरित्र में कुछ ना कुछ सीखा होता है। हाँ? कहते भक्त कौन है? कहते जो भगवान की जो नित्य सिद्ध परिकर है, कहते वो सबके सबसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कृष्ण लीला में जो सखी मंजरी सखा लोग थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चिबे दया करी सपार सदसियो धाम सह अवतारी। इसलिए महाप्रभु जब आए पूरा गोलोक वृंदावन को उतार दिया और अपना पूरा परिकरों को लेकर के, पूरा भक्तों को लेकर के महाप्रभु इसी जगत में आए। और वो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर होते हुए भी, लेकिन हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमें कैसे साधन भजन करनी चाहिए, तो उन लोगों ने अपना जीवन में उतार करके दिखाया। यद्यपि ये भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, हैं? इनकी साधन करने का जरूरत नहीं, सो सिद्ध अवस्था है, लेकिन तब भी हम जो बद्ध जीव जो माया में फंसे हुए, फिर हमें कैसे शिक्षा मिलेगा? इसलिए वो अपना जीवन में उतार करके अपना जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने दिखाया भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसलिए आज हम एक भक्तों का चरित्र कथा सुनेंगे जिनका नाम था श्री सनातन गोस्वामी। हैं? क्या नाम उनका? हाँ, इनका नाम है श्री सनातन। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब सदातन, सब समय जो प्रकाशशील है। हैं? कहती है कृष्ण लीला में ये कौन थे? कहती राधा रानी की अत्यंत एक प्रिय सहचरी जिनका नाम था लवंग मंजरी। हैं? राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी लवंग मंजरी महाप्रभु की लीला में श्री सनातन गोस्वामी रूप में आए। कुछ लोगों का धारणा है हमारे भारत में, यहाँ पर तो इतना है नहीं, भारत में कहते जो साधु साधु बन जाते हैं ना, बोले कौन बन जाते हैं? बोले जिनको पैसा कमाना ठीक आता है नहीं। हाँ? पैसा कमा नहीं सकते हैं, घर में खाना पीना ठीक ठाक ही नहीं, घर बार छोड़ करके बाबा बन गए। कुछ लोगों का ये धारणा है, लेकिन कहते ऐसे नहीं, कहते करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो, सुकृति हो, बोले बहु नाम जन्म नामांते ज्ञान बानम माम प्रपद्यन्ते। कृष्ण कहते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म का जब सुकृति इकट्ठे हो, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरी भक्ति में आते हैं। इसलिए श्री हमारे, हाँ, श्री एक भक्त ने, हाँ, उन्होंने एक श्लोक में लिखे, उन्होंने उन्होंने एक श्लोक लिखे है, श्लोक लिखे हैं, बोले साध्वि माध्वि का चिंता न भवती सर करे कर्क सासी। इसका मतलब है अगर सचमुच से राधा कृष्ण का जो प्रेम है एक बूंद किसी को आस्वादन मिल जाए, सही सही राधा कृष्ण की प्रेम एक बूंद किसी को आस्वादन हो जाए, उसको इतने आनंद, उसको जगत में इतने आनंद मिलता है। इसलिए वहां पर कह रहे बोले साध्वि माध्वि की चिंता न भवती सरकरे कर्क सासी। सरकरा नाम सुने हो, जो बहुत छोटी सी मीठा होता है लेकिन बहुत मीठा होता है। कहते हैं सरकरा, तुम्हारा जो सरकरा में जो मीठा है ना, अगर वो भक्ति रस कोई आस्वादन करे उसको सामने, तुम तो कर्कश हो जाओगे। कर्कश मतलब क्या है? कहते उसको सामने तुम एकदम फीकी पड़ जाओगे, तुम्हें कोई दुनिया में पूछेगा नहीं। बोले अमृत अमृतमसी, अमृत मतलब होता है जो अमृत, नाम सुने अमृत,
अगर किसको कृष्ण भक्ति रस आस्वादन होगा, बोले मृतमसी, उसको सामने तू मर जा, तेरे को दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। हैं बोले द्राक्षा द्राक्षती, द्राक्षा सुने हो, अगर रस होता है अंगूर का, जो रस होता है ना अंगूर का, रस से एक रस बनता है जिसका कहते द्राक्षा रस है, बहुत टेस्ट है। हाँ वो बड़ा टेस्ट रस है। बोले द्राक्षासी, कहते हैं द्राक्षा रस, तेरे तरफ में और कोई देखेगा नहीं। बोले क्यों नहीं देखेगा? बोले उसको राधा कृष्ण का प्रेम रस आस्वादन हो गया ना, राधा कृष्ण की भक्ति रस उसका आस्वादन हो गया, इसलिए तेरे तरफ में और कोई नहीं देखेगा। क्यों? बोले भगवान की प्रेम में इतने आनंद है, इसलिए। कहते श्री सनातन गोस्वामी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कौन थे? उसी समय नवाब, जो राजा उसका प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, एक उनका डाइन हाथ और उनका एक बाम हाथ है, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना लड़ाई होता है, कितने पार्टी बनता है, हाँ? कितने पार्टी बनता है, कितने पैसा खर्चा करते हैं, क्या क्या उसके लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन जिस पोस्ट के लिए दुनिया पागल बनता है, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी उसको ठुकरा दिए। इधर क्या होता पता नहीं, हमारे भारत में अगर बहुत बड़ा कोई नौकरी होता है ना, बहुत उसका रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत जानते, घूस देना पड़ता है, क्या बोलते हो तुम्हारी भाषा में, हाँ, ब्राइब देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है, तो उसका उतना बड़ा नौकरी मिलता है। लेकिन इन्होंने वहां तो नौकरी पाने के लिए घूस देते हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए घूस दिया, नौकरी छोड़ने के लिए घूस दिया। कितना पैसा दिया? छोटे मोटे पैसा नहीं, बोले 7,000 स्वर्ण मोहर। हाँ 7,000 मतलब अभी इतने अरब खरब रुपया होगा उसका, जिसका कीमत बहुत ज्यादा कीमत होगा। लेकिन उन्होंने रिश्वत दे करके उन्हें नौकरी को उन्हें छोड़े, उन्होंने और छोड़ कर कहाँ गए? वृंदावन में गए, वृंदावन में। इसलिए इनकी लीला, इनकी जो चरित्र में हम कोशिश करेंगे आज उनको चरित्र को थोड़ी थोड़ी, उनका चरित्र में जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा को हम कोशिश करेंगे उस शिक्षा को सुनने के लिए। देखो जब इन्होंने महाप्रभु को पहले दर्शन के लिए गए, एक जगह है राम कलिक ग्राम है बंगाल में, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मंत्री पद में थे, उन्होंने छुप करके चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गए, और जा करके सीधा दांत को नीचे जो घास है ना त्रिनिका को दबा करके महाप्रभु के चरण में सीधा लेट गए। बोले त्रिनिका दबाए क्यों? हम कहते ना त्रिणा दपि सुनि चेन तररपि सहि सुनुना, मतलब भक्ति करना तो जो तृण है ना उससे भी अपने आप नीचे, अपने आप को नीचा बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। दांत में त्रिनिका दबाना मतलब होता है बड़े दीनहीन है, जैसे घास है, जैसे उसको सर पर प्यार रख दो सर नीचा कर देता है। हम भी ऐसे दीन हो न होकर के महाप्रभु के चरण में गिर पड़े। और उन्होंने क्या बताए? बोले प्रभु हम तो बड़े अधम हैं, हम बड़े अधम हैं। लेकिन उत अधम नहीं, वो कौन सा कुल में जन्म हुए? ब्राह्मण घर में जन्म हुए, छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं, बहुत हाई फाई ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ है। लेकिन वो अपने आप क्या कहते? बोले हम मुसलमान का अधीन में काम किया ना, हम तो बड़े दीनहीन हैं। महाप्रभु बोले तुम दीनहीन हो, दीनहीन नहीं, क्योंकि दोनों भाई को मुंह में 24 घंटा 24 घंटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे, जोर से बोलो सो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। उनको मुंह से भगवान नाम कीर्तन निकल रहा था। महाप्रभु बोले क्या तो अपने आप को दीन ही नहीं बोल रहे हो? देखो महाप्रभु क्या कहते, जो हरि नाम करते हैं ना, जो हरि नाम करते हैं, महाप्रभु कहते हैं क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान है, जो व्यक्ति हरि नाम करते हैं। इसलिए भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ कौन व्यक्ति हरि नाम कौन व्यक्ति कर सकता है, किसको जीवा पर भगवान का नाम उच्चारण होता? कहते माँ साधारण व्यक्ति हरि नाम नहीं कर सकते हैं। कहते जो पूर्व जन्म में चार ही काम जो करके आए हैं, पूर्व जन्म में कितना काम करके आए? चार,
चार ही काम जो करके आए तभी इसी जीवन में हरि नाम कर सकते हैं। बोलो वो चार ही काम क्या है, कोई बता सकते हो चार ही काम क्या क्या है? बोलो एक एक बताओ। हाँ कहते जो पहले जन्म में सारे तपस्या जो कर चुके हैं, दूसरा काम सारे यज्ञ जो कर चुके हैं, तीसरा काम सारे दान जो कर चुके हैं, चौथा काम जिसने हैं पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हैं सारे तीर्थ जो पहले जन्म में घूम चुके हैं, भगवान कहते हैं अपना माँ को, बोले माँ जीवाग्रे, जीवाग्रे मतलब क्या? कहते पूरा जीवा में नहीं, अगर जीवा की अग्र अग्र समझता ना, जीवा का जो लास्ट भाग है अगर उसमें अगर ये कृष्ण नाम करते हैं तब क्या समझने चाहिए, पहले जन्म में ये चार ही काम करके आए। तब यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते जो जिह्वा का अग्र में जो कृष्ण नाम करता है उसका इतना महत्व, अगर पूरा जिह्वा में जो कीर्तन करता है, पूरा जिह्वा जिसकी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब पूरा जिह्वा में जिसकी कीर्तन नाम हो रहा है, बोले उसका तो सौभाग्य बता नहीं सकते। अगर पूरा जिह्वा में करता है, अगर कोई कान में कृष्ण कथा सुनता है, जिह्वा में भी कृष्ण नाम करता है और कान में भी कथा सुनता है, बोले उसका महिमा तो हम और नहीं बता सकते। कहते अगर कोई व्यक्ति है जिह्वा में कीर्तन करे, कान में कथा सुने और हाथों में ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले उसका तो महिमा और भी है। अगर कोई जहाँ हरि कथा हो रही है, जैसे घर से आप लोग चल करके यहाँ पर आए हो, कल जो हरि कथा में चल करके जाते हैं, बल उसकी तो महिमा और भी नहीं बता सकते हैं, और भी नहीं बता सकते हैं। कहते अगर कोई ठाकुर के चरण में प्रणाम करते हैं, हाँ ठाकुर के चरण में कोई, बल उसकी तो महिमा हम बता ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण दूसरे जगह पर अर्जुन को कहते हैं, बोले अर्जुन कृष्ण नाम कौन कर सकता है? बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति हरि नाम सब समय वही कर सकता, कौन? बोले जिसने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, जिसने 101 जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक निष्कपट रूप में भगवान के विग्रह की अर्चन की सेवा पूजा की, तब भी इसी जीवन में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान के नाम कर सकता। चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, बोले क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान। बोले तुम अपने को अधम कह रहे हो, नीच जाति कह रहे हो, नीच जाति का मुंह से कभी कृष्ण नाम नहीं निकलता है, जो बहुत पुण्यात्मा हो उसकी मुंह से ही ये कृष्ण नाम निकलता है, है? इसलिए सारे दान पुण्य तुम सब कुछ कर चुके हो तभी कृष्ण नाम तुम ग्रहण कर रहे हो। तब उन्होंने महाप्रभु के चरण में, दोनों भाई महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और गिरते हुए अभी वो कोशिश कर रहे हैं वो नौकरी को छोड़े। कौन सा नौकरी छोड़े? प्राइम मिनिस्टर का नौकरी छोड़े, जिस नौकरी के लिए दुनिया कितने पार्टी कितने मारपीट कितने दंगा होता है, प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा पोस्ट है, हैं? वो नौकरी करके छोड़े, एक प्राइम मिनिस्टर पद में और एक है फाइनेंस में जो सेक्रेटरी, एक है सारे रुपया पैसा को देखने वाले, दो भाई दो काम करते थे। अभी दोनों भाई सोच रहे हैं कि नौकरी कैसे छूटे हमसे। देखो उनकी जो लीला में ना बहुत अच्छी अच्छी सीखा है, कोशिश करो वो सीखा को उतारने के लिए अपना जीवन में। अभी नौकरी छूटे कैसे? राजा तो छोड़ेगा नहीं, राजा छोड़ेगा नहीं, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया उन्होंने? ये बहाना बना दिए, एक दिन सनातन गोस्वामी काम में नहीं आए। राजा ने पूछा, भैया क्या चक्कर है, ये सनातन काम में क्यों नहीं आया? उन्होंने क्या बहाना बना दिया, राजा को बोल दो मेरे को बुखार आ गया है, मेरे को बुखार आ गया। हाँ बुखार समझ रहे हो ना, हाँ अभी हम बीमारी में पड़े हैं इसलिए काम में नहीं आ पा रहे। तो राजा ने सोचा बीमारी में पड़े तो वैद्य को भेज देता हूँ। तो उन्होंने वैद्य को भेज दिया, भैया देख जाकर देखो ये बीमारी में पड़ा तो उसे दवा हुआ देकर सही करो। लेकिन जो वैद्य देखने के लिए आया ना वो बीमारी क्यों नहीं, कोई बीमारी बीमारी कुछ नहीं, क्या कर रहे थे? सारे संतों को लेकर के ब्राह्मणों को लेकर के क्या कर रहे थे? भागवत कथा कर रहे थे, आपस में हरि चर्चा कर रहे थे, हरि कथा आपस में कर रहे थे, हैं? इसलिए उन्होंने हरि चर्चा कर रहे थे।
वैद्य वापस गया, बोले उनको तो कोई बुखार बुखार कुछ है ही नहीं, वो तो हमने जा करके देखा, वो तो भगवान की कथा हरि कथा भागवत कथा में बैठे और हरि चर्चा कर रहे हैं, ये तो हरि चर्चा कर रहे हैं, वो तो बुखार बुखार कुछ है ही नहीं उनके अंदर में। फिर राजा को फिर क्रोध आया, ये तो झूठ मूठ बोला, झूठ मूठ बोला। तो एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास में एक पत्र लिखे, सनातन गोस्वामी देखो उन्होंने क्या कितना बढ़िया बढ़िया शिक्षा दिया महाप्रभु ने। उन्होंने पत्र लिखे, बोले प्रभु जैसे आप लोग नौकरी कर रहे हो ना, नौकरी करती हो, काम कर रहे हो ना सबके सब, अब कितना घंटा काम करते हो, 7-8 घंटे 10 घंटे काम करते हो, छोटी मोटी नौकरी। अगर आपको बोले भैया तेरा माला हरि नाम करो, बोले हमारे पास में फुर्सत नहीं भजन करने के लिए, हम सवेरे निकल जाते हैं और शाम को आते हैं, हाँ माला नहीं कर पाते, तुम्हारी एक छोटी मोटी नौकरी है, छोटी मोटी नौकरी। और वो कौन सा नौकरी कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का नौकरी, साधारण छोटी मोटी नौकरी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर का नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने महाप्रभु के पास में पत्र लिखे, बोले प्रभु इतने बड़े दायित्व, प्राइम मिनिस्टर का पद, अब इसके अंदर में भजन कैसे करूं, हमारे पास में समय नहीं भजन करने के लिए, नाम करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमारे पास समय नहीं, हम भक्ति कैसे करें, भजन कैसे करें। देखो महाप्रभु ने केवल एक श्लोक लिख करके ना, उनके पास में एक श्लोक उन्होंने लिख करके भेज दिया। वो श्लोक था, है कहते कोई एक लड़की, वो शादी से पहले किसी लड़का को प्रेम करती थी, लेकिन हमारे भारत का नियम है वो मनमर्जी शादी नहीं कर सकते हैं, शादी कैसे करेंगे, परिवार की उनकी अनुमोदन से, जहां परिवार शादी करवाएगा वहीं पर शादी करेगा, उनको जाति उनका कुल का हिसाब से, जाकर के ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय परिवार में, वैश्य हो तो वैश्य परिवार में, शूद्र हो तो शूद्र परिवार में, नियम है वो अपना परिवार से ही शादी करेगा। और अपनी अब शादी नहीं है, अपनी प्रेम करके शादी नहीं, पिता माता जहाँ करवाएंगे और वहीं पर शादी करेगा, हमारे भारत का नियम है। लेकिन वो लड़की की प्रेम हो गई थी शादी से पहले, किसी लड़का से उसका प्रेम हो गई थी, अभी वो लड़की चाह रही है मैं शादी उसी लड़का से करूं, लेकिन पिता माता ने क्या किया, उसको वहां शादी नहीं करवा करके उसको जो जाति कुल मर्यादा के अनुरूप उनको दूसरे जगह उसको शादी करवा दिया। जब शादी करवा दिया लेकिन उसका जो प्रेम, तो प्रेम हो गया है, वो तो चाहते हैं हम उसको साथ में रहे, शादी करें उसको साथ में रहे, लेकिन पिता माता शादी करवा दिया दूसरे घर में, लेकिन उस लड़की का जो मन है ना, एक सेकंड के लिए भी जहां शादी करवाए, एक सेकंड के लिए भी उसको प्रति मन नहीं, वो मन तो जिसको पहले प्रेम करती थी वहीं पर उसका मन है। लेकिन ये हमारे भारत का सभ्यता है, अगर पति को अगर पता चले शादी मेरे से की और ये और किससे ये प्रेम कर रही है, फिर पति क्या करेगा, घर से मार करके निकाल देगा, बोले शादी तुमने मेरे साथ में की और दूसरे को तू प्रेम कर रही हो, हाँ घर से निकाल देगा वो। इसलिए वो लड़की क्या करती है, पति को दिखाने के लिए जितने घर की काम काज करनी चाहिए उससे वो ज्यादा करती है, क्योंकि पति को भनक भी नहीं पड़े, पता नहीं चढ़े मैं और किसी लड़का को प्रेम करती हूँ, इसलिए दिखाने के लिए वो बहुत काम करती है, उससे ज्यादा करती है कि तो पति को पता चले मैं कभी तेरे कोई प्रेम और किसी को प्रेम में नहीं करती हूँ, हाँ। लेकिन उसका जो मन है ना, एक सेकंड के लिए भी उसका मन उसको पास में नहीं, मन कहा किसको पास में, जिसको उसने पहले प्रेम की। महाप्रभु ने ये एक श्लोक लिख करके ना उन्होंने भेज दिया, जो भेज दिए, हाँ जो भेज दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सनातन गोस्वामी जब उसने ये श्लोक को पढ़े ना, इतने प्रसन्न हो गए, इसका मतलब हो है हम प्रेम किसको करते हैं, किसको, कृष्ण को, वो हमारे प्रियतम है, कृष्ण हमारे पति है, असली पति कौन है, भगवान कृष्ण ही हमारे जगतपति जगन्नाथ कृष्ण। प्रेम किसको उन्होंने पहले प्रेम किसको कर लिए, बोले कृष्ण को प्रेम कर लिए। लेकिन जब शादी होता है फिर दूसरे को साथ में शादी हो गई, लेकिन होने पर भी मन वहां पर है नहीं, भले ही धूमधाम से ऊपर से काम करती है लेकिन मन किसको दिया, केवल मन कृष्ण को दिया, मन और किसी को नहीं दिया। इसलिए
ये मन में केवल मनमोहन को ही मन में उनको ही बैठानी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक लिख कर भेज दिया, बोले देखो तुम प्राइम मिनिस्टर है ना, इसलिए प्राइम मिनिस्टर काम को तुम ऊपर से तो करो, धूमधाम से करो, लेकिन जो प्रेम है ना, जो प्यार है ना, किसको करो? प्यार केवल कृष्ण, केवल कृष्ण को प्यार करो। उन्होंने ये पत्र लिख करके उन्होंने भेज दिया। जब भेज दिया, इतने में श्री सनातन गोस्वामी अभी दिन रात कृष्ण चिंता, कृष्ण भजन भक्ति में लगे हुए। एक दिन राजा वो उड़ीसा जाएगा, वो मुसलमान राजा, वो उड़ीसा में भगवान के मंत्री, बहुत सारे मंत्री, ठाकुर का मंत्री मंत्री होता है। ये लोग क्यों जाते हैं? मुसलमान लोग सारे हिंदू मंत्री को तोड़वाते हैं, हैं? तोड़ फोड़ देते हैं, सारे धर्म को खत्म कर देते हैं। अभी वो जाना चाह रहे हैं उड़ीसा, और उन्होंने बोले भैया मेरे साथ में चलो सनातन गोस्वामी को। बोले तेरे साथ में मैं नहीं चलता, क्योंकि इसलिए तू जा रहे हो वो हिंदू मंत्री को ध्वंस करने के लिए, हम इस काम करने नहीं जा सकते हैं। इतने में राजा ने देखा, अगर मैं उधर चला गया, इसका जो छोटा भाई था ना रूप गोस्वामी, छोटे भाई छोटे रूप गोस्वामी, इन्होंने पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ छाड़ कर छुप कर भाग गए हैं, उन्होंने भाग गए, चैतन्य महाप्रभु के पास में चले गए, वहां पर है ही नहीं। कहते एक भाई तो गया, और दोनों भाई राजा का दो हाथ थे, एक सीधा हाथ और एक बाएं हाथ थे, ये दोनों ही सारे काम करते थे। बोले एक भाई तो गया, अगर दूसरा भाई भी अगर चला जाएगा ना फिर क्या होगा? अरे हमारी राजकार्य कौन देखेगा? इसलिए उसने किया कि सनातन गोस्वामी को उन्होंने जेल में उन्होंने बंद करवा दिया। हाँ, बोले जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद करके राजा चले गए, अभी सनातन गोस्वामी ये जेल से छुटकारा पाना चाहते। बोले कैसे छुटकारा पाए? जो जेल कीपर था, बोले देख ये नौकरी तेरे को किसने दिलाया था? मैंने ही नौकरी दिलाया था ना, मैंने एक दिन तेरे ऊपर उपकार किया, अभी तेरा कर्तव्य कुछ मेरा भी उपकार तू कर। बोले क्या चाहते हो? बोले ये जेल से मेरे को निकाल दे। बोले राजा को पता चलेगा तो सीधा मेरे को फांसी चढ़ा देगा, हैं? फांसी चढ़ा देगा, हम नहीं कर सकते हैं। पैसा ऐसे की चीज होता है ना, पैसा ऐसे की चीज होता है, हाँ, बड़े बड़े बुद्धि व्यक्ति का बुद्धि भी पैसा से काम करता था, इसलिए कहले पैसा क्या ना करे काम, इसलिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रुपया, हाँ? ये पैसा ऐसे की चीज है। सनातन गोस्वामी ने किया, किया रूप गोस्वामी तो सारे पैसा की खजाना उनके पास में था, उन्होंने कुछ पैसा रख कर गए थे, भविष्य में इनको लग सकता है। उन्होंने क्या किया, 5,000 स्वर्ण मुद्रा, जो सोच भी नहीं सकते हो, अरब खरब रुपया उन्होंने उनको सामने उड़ाल दिया। ले 5,000 स्वर्ण मुद्रा ले ले, और मेरे को जेल से छुटकारा दे दे। अभी जब उन्होंने इतना पैसा देखा ना, उसका तो बुद्धि खराब हो गया। बोले 5,000 स्वर्ण मुद्रा, फिर तो मेरे को मेरे बेटे को भी काम करने का जरूरत नहीं, तो बैठ बैठ कर खाकर खत्म नहीं कर सकते इतने सारे पैसा। तभी उसने थोड़ी सी इधर उधर किया, बोले राजा को अगर पता चलेगा तो फिर को मेरे को मरवा डालेगा, फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब ऐसे बोले फिर उन्होंने और 2,000 स्वर्ण मुद्रा, और 2,000 स्वर्ण मुद्रा सामने डाल दिया। उसको देख कर तो उसको बुद्धि खराब हो गया। बोले इतना सारे पैसा सोने की मोहर, 7,000 स्वर्ण मोहर कितना होगा बताओ तो, कितना होगा? सोना ही सोना ढेर ढेर। फिर तो उसको बुद्धि खराब हो गया। बोले अगर राजा मेरे को पूछेगा तो मैं क्या बताऊं? बोले देख मैं तेरे को परामर्श देता हूं, तुम ये बोलना, पहले जैसे शौच क्रिया में जाते थे ना, बोले उसको हम जेल खोल में से शौच क्रिया में ले गए थे, और इनको शौच क्रिया के बाद में फिर गंगा में नहाते हैं, पास में गंगा बह रही थी, बोले इनको हमने गंगा में स्नान कराने के लिए ले गया था, पता नहीं पानी में कहीं डूब करके मर गया। और सनातन गोस्वामी बोले मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बड़ी दूर चला जाऊंगा, ये पास में मैं रहूंगा नहीं, दूर चला जाऊंगा। जब इन्होंने सनातन गोस्वामी गंगा में गए ना, वहां पर कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं मगरमच्छी बन करके आए, हैं? मगरमच्छ जानते, क्रोकोडाइल बन करके आए, और इनको पीठ में बैठाया, और सनातन गोस्वामी को उन्होंने गंगा पार करवा दिया।
ठाकुर जी स्वयं उनको गंगा पार करवा दिया। और इन्होंने गंगा पार होकर के फिर तो उन्होंने महाप्रभु के पास में जा रहे, जाते समय इनका एक सेवक था, इनका जो सेवा करता था उसका नाम था ईशान। जब ये जा रहे हैं वो मेन रोड में नहीं, जो जंगल का जो रास्ता था वो जंगल रास्ता होते हुए जा रहे थे, क्योंकि राजा फिर से पता चल जाएगा तो फिर पकड़ कर ले जाएगा, इसलिए जंगल रास्ता से छुप छुप करके जा रहा था। और इनको साथ में इनका सेवक था जिसका नाम था ईशान। जब जा रहा था इतने में जंगल में ना बड़े बड़े डाकू लोग रहते हैं, बड़े बड़े डाकू लोग रहते हैं। पहले ऐसे ऐसे विद्या थी उनको पास में, अगर आपको देख लेंगे ना अपने आप उनको पता चल जाएगा कितने पैसा तुम्हारे पास में देखते ही। और एक काग विद्या होता है, जो कौए होते हैं ना, कुछ कौए को पाल कर रखते थे, वो कौआ आकर के ना बोल देता था, वो कौआ की आवाज से उनको पता चल जाता था कौन व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन उसके पास में पैसा इतना है। ऐसे ऐसे उनके पास में विद्या थी, उनको अपने आप पता चल गया ये जो व्यक्ति दो व्यक्ति है इनके पास में कुछ सोने की मोहर है। बोले कितने सोने की मोहर? बोले 8 सोने की मोहर इनके पास में है। अभी ये जब चल रहे थे इतने में वो डाकू का जो सरदार और जो डाकू लोग आकर के ना बोले अब कहाँ जाओगे, रात को यहीं पर विश्राम करो, खाओ पियो सो यहीं पर, और सबर जब होगा ना फिर हम तुम लोगों को ये पहाड़ से उस पार में पार करा करके आपको हम छोड़ देंगे, अब रात में रहो खाओ पियो खाना। इतने इज्जत कर रहे थे, इतने इज्जत कर रहे थे, लेकिन सनातन गोस्वामी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, सारा दुनिया को चलाया उन्होंने, हैं? सारा दुनिया को चलाया। उन्होंने सोचे इनके साथ में हमारा कोई परिचय नहीं, इनको कभी हमने देखा ही नहीं, लेकिन ये इतने हमें इज्जत क्यों कर रहे हैं, खाओ पियो रहो, हम तो कोई इनका कुछ लगते नहीं, कोई यार दोस्त तो है ही नहीं, कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ी चीज है। वो बुद्धि सारा दुनिया को चलाने वाले थे, इसलिए वो समझ गए। फिर वो साथ में जो ईशान था ना पूछे, तेरे पास में कुछ पैसा है? तेरे पास में कुछ पैसा लाए हो? बोले हाँ मेरे पास में कुछ सोने की मोहर है। बोले कितने सोने की मोहर है? कितना था? 8 था। कितना था? कितना था? 8 सोने की मोहर थी। उन्होंने बोल दिया नहीं मेरे पास में ना 7 सोने की मोहर, फिर उन्होंने एक एक को छुपा दिया, क्योंकि इनको कभी लग सकता है सनातन गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर पद में थे, तब भी उन्होंने एक छुपा दी, बोले मेरे पास में 7 सोने की मोहर है। जब उन्होंने बोले, बोले हमें तो यही सोच रहा था ये लोग हमें इतने तारीफ क्यों कर रहे हैं, रहो खाओ बैठो इतने क्यों कर रहे हैं, हमें तो समझ गया था दाल में कुछ काला है। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी बोले निकालो जल्दी, फिर उन्होंने 7 सोने की मोहर को निकाले, निकाल करके उन्होंने और जो डाकू का जो सरदार था उसको बुलाया, बोले भैया लो हमारे पास में ये 7 सोने की मोहर है, ये सोने की मोहर को ले लो और हमें ये रास्ता पार करा दो हमें। देखो उन्होंने बोले देखो तुम्हारे पास में 7 नहीं, तुम्हारे पास में कितने हैं? 8 हैं तुम्हारे पास में। देखो पहले लोगों के पास में कितने विद्या थी, बोले कैसे विद्या था वो सब पता लगा देते थे, हैं? बोले 7 नहीं तेरे पास में 8 मोहर है, अच्छा किया तुमने बता दिया, आज रात को तुमको खिला पिला करके हम सुला देते और तुमको खत्म कर देते, तुमने हमें ये पापों से तुमने हमें क्या कर दिया, हमें मुक्ति दिला दिया, जाओ पैसा की जरूरत नहीं, लो ये पैसा लो, जरूरत नहीं ये पैसा लेकर के चलो हम तुमको रास्ता दिखा देते, जब अपने आप पैसा दे रहे हो। फिर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने कहा देखो तुम लोग तो छोड़ दोगे, तुम तो छोड़ दोगे, लेकिन आगे जब जाएंगे ना तुम्हारे जैसे आगे भी तो कुछ लोग हैं, क्योंकि जंगल में पहले छुप करके ये डाकू लोग रहते थे, दुष्ट लोग रहते थे, रास्ता में सारे रुपया पैसा को छीन लेते थे। बोले तुम तो छोड़ दिया लेकिन आगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो फिर मार डालेंगे हमें, इसलिए हमारे उपकार करो भैया ये लो और हमें रास्ता दिखा दो। फिर श्री सनातन गोस्वामी ने क्या की,
जो साथ में जो ईशान था ना, बोले देख तू भजन करने के लायक नहीं हो, तुम भजन नहीं कर सकती, यहां से तुम अपना घर में वापस चले जाओ। उन्होंने उनको जोर जबरदस्त उनको उनको वहां से भेज दिया, साथ में नहीं लेकर के गए। बोले क्यों नहीं लेकर गए, कारण किया? बोले कारण है, कहते 6 तरह का शरणागति है। कितने तरह का? क्या क्या बताओ बताओ, भाई बताओ, अभी बताओ, एक तो बताओ, एक बताओ। क्या सब बुढ़ी हो गए तुम लोग कथा सुनते सुनते? बताओ, तुम बताओ, 6 शरणागति में एक तो बताओ। हाँ नहीं, तुम बताओ। हाँ हाँ देखो ये श्लोक बोल रही है, पंडित है। ये श्लोक रट लेना सबके साथ। हाँ बोलो, उसके बाद में रक्षिषति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विध शरणागति। याद रखना क्या क्या उस क्या तुम बताओ, बड़ा पंडित। इधर आ सामने आओ, इधर इधर आ जाओ, आज परीक्षा हो रही है तुम लोगों में। इधर आओ, बोलो। उसने तो श्लोक बताया, तो श्लोक में तुम बताया, तुम बताओ क्या क्या छह जो शरणागति है। देखो इधर ध्यान देख रहे, सुनो, ये जो शरणागति है, उदाहरण दिया गुरुदेव बोलते थे, जैसे कोई आप बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, अगर उसका नींव अगर सही नहीं हो ना, उसको ऊपर जो बिल्डिंग बनाओगे, फिर वो बिल्डिंग क्या होगी, फिर वो धस जाएगी बिल्डिंग। इसलिए वो जो नींव बहुत पक्की होनी चाहिए, फिर उसको ऊपर में जितने मानो मंजिल बना सकते हो, अगर नींव में अगर गड़बड़ी हो तो फिर तो थोड़े तो दिन बाद में। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो शरणागति है ना, ये हमारी नींव है, उसको पर भक्ति की जो मंजिल बनेगी, नीम बढ़िया हो तब तो भक्ति की मंजिल बनेगी ना, इसलिए नीम तो अच्छा होनी चाहिए, है ना। हाँ बोलो, क्या तुम सारे कथा को तुमने नोट करते हो, सब सब कॉपी में लिखते हो, सारे नोट करते हो, नहीं बोल पा रहे हो? बोलो ठीक से, एक तो बोलो, बोल एक बोलो। हाँ देख, अच्छा तरह तुमको याद आती है तब फिर हरे कृष्ण। हाँ तुम बड़ा पंडित ध्यान बोलेगी। हाँ बोलो क्या क्या है। To first, he said to leave everything which is unfavorable, and anukulya. So and pratikula sab vivarjanam. Accept everything which is favorable and reject everything. Rakshasyati vishvaso and firm faith that Krishna is your protector. देखो इसलिए इसलिए देखो इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है ना, जब दूसरा बार पूछूंगा जैसे बोल लो, बोल देना, ठीक है। हाँ श्री 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 भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं कि जो 6 तरह का जो शरणागति है, शरणागति मतलब क्या, ठाकुर के चरण में संपूर्ण रूप में शरण हो गए, उनके चरण में हमने अपने आप को दे दिया, शरणागति हो गए उनके चरण में। कहते वो 6 तरह का भक्ति मनोहर ठाकुर ने बताए हैं, ये पुराण में ये श्लोक है। कहते क्या क्या है, बोले अनुकूल संकल्प, मतलब भक्ति का जो अनुकूल है, मतलब जो काम करने से भगवान के चरण में हमारी भक्ति बढ़ेगी, क्या करनी चाहिए, संकल्प। संकल्प मतलब हम कोई बात संकल्प करते हैं ना, संकल्प मतलब क्या, दृढ़ निश्चय करते हैं, आज से भगवान की भक्ति की जो अनुकूल वस्तु है, मतलब जिससे भगवान जिससे खुश होते हैं जीवन में, केवल हम वही करेंगे। प्रातिकूलस्य विवर्जनम्, जो काम से भगवान नाराज होते हैं, गुरु वैष्णव नाराज होते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं, जिससे हमारी भक्ति खत्म होगी, वो चीज को हम जीवन में त्याग देंगे। कितना हो गया, 2 हो गया, ग्रहण करना अच्छी चीज को और गंदी चीज को त्याग देना। और ये पूर्ण विश्वास करेंगे भगवान जरूर मेरे को रक्षा करेंगे ही। जब भगवान सारे भक्तों को रक्षा की है, ध्रुव प्रहलाद हैं मीरा सब भक्तों को जब रक्षा किए हैं, ठाकुर जी जरूर मेरे को रक्षा करेंगे ही, ये पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। जैसे द्रौपदी हैं,
जैसे द्रौपदी भगवान को पुकारे तो ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट होकर के पूरा शरीर में ठाकुर जी लपट गए। रक्षा किया, जैसे प्रहलाद महाराज को उसको पिताजी ने मारने के लिए कितने कोशिश किया, आग में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया, उसको पहाड़ का ऊपर से फेंकवा दिया, लेकिन ठाकुर जी उसको रक्षा करते हैं। इसलिए पूर्ण रूप में ये विश्वास होनी चाहिए, ठाकुर जी जरूर हमें रक्षा करेंगे ही है। और जो चौथा नंबर है बोले गुप्तृते वर्णम तथा, गुप्ता मतलब होता है पालन करता है। जब ठाकुर जी एक चींटी से लेकर के हाथी तक को पालन करते हैं, दुनिया में जो उसको भक्जन नहीं करता है तब भी ठाकुर जी उसको पालन करते हैं। हम भगवान की भजन करते हैं, ठाकुर जी हमें पालन नहीं करेंगे? जरूर हमें ठाकुर जी पालन हमें जरूर करेंगे। जैसे श्रीवास पंडित चार भाई थे ना, हाँ वो तो चार भाई थे। चार भाई दिन रात क्या करते थे, मजीरा और ढोलकी लेकर के दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो बच्चे बच्चे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारा दिन मजीरा मृदंग लेकर के दिन रात ठाकुर जी की कीर्तन करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए, बोले क्यों श्रीवास, तुम चार चार भाई हो और चार चार बहुएं हैं और तुम्हारी इतना बड़ा बच्चे पूरा परिवार है, इतना बड़ा परिवार तुम्हारी, लेकिन कोई काम धाम कुछ बिजनेस कुछ नहीं, दिन भर ये क्या मजीरा मृदंग लेकर हरे कृष्ण इससे पेट भरेगा? इससे तुम्हारी पेट भरेगी, काम धाम करना नहीं पड़ेगा। तब तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, उन्होंने तीन बार ताली बजा दिए। महाप्रभु बोले भैया तीन बार ताली क्यों बजा रहे हो, कारण क्या? बोले प्रभु आप गीता में प्रतिज्ञा की ना, क्या प्रतिज्ञा किया है, कौन श्लोक कौन बोल सकता है, किसको याद है बोलो, श्लोक कौन सा श्लोक है, भगवान क्या प्रतिज्ञा किया बोलो, अनन्य चिंतयंत माम, इस श्लोक को याद कर लेना, विजय से सब लिख कर ले लेना, ठीक है। इसलिए अनन्य गीता का श्लोक है, कृष्ण का ये प्रतिज्ञा है, अनन्य चिंतयंत माम ये जनाहा प्रजुबासते ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम योगाख्यम पहामि अहम। कृष्ण स्वयं अपना अपना हाथ दिखा कर कह रहे अहम मतलब मैं है,
मैं करता हूँ, बोले क्या करते हो, बोले अनन्नस चिंतयन्ति माम। जो व्यक्ति अनन्न, अनन्न मतलब मेरे को छोड़ करके और किसी को नहीं, आज इसको पूजा कर लिया, कल उसको पूजा कर लिया, कल उसको चले गए, नहीं ऐसे नहीं है। इसलिए जो एकनिष्ठ हो करके, जैसे मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई है, ऐसे जो एकनिष्ठ हो करके मेरे मेरे चरण में तन मन सब कुछ मेरे चरण में जो दे दिया है, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या काम करते हो, पहला काम करता हूँ जो घर में जो चीज नहीं, मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ। दूसरा काम क्या करता हूँ, घर में जो चीज है मैं एक दरवान बन जाता हूँ, और दरवान बनकर के उसको चीज को मैं रखवाली करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है ठाकुर जी, ये प्रतिज्ञा उन्होंने ठाकुर जी किए हैं। इसलिए यहाँ पर श्री श्रीवास पंडित कहते हैं, प्रभु गीता में तो आपने प्रतिज्ञा की, जो मेरे ना सब कुछ तन मन सब कुछ मेरे को जो दे करके दिन रात मेरे जो चिंतन करते, उसके लिए आप दो काम करते। अब तो गीता में प्रतिज्ञा किए, फिर मैं इधर उधर कहाँ जाऊं, इसलिए आपका आदर्श पालन करता हूँ, पूरा परिवार बैठ करके बस कीर्तन करता हूँ, हरिनाम करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है ठाकुर जरूर पालन करेंगे, हैं पालन करेंगे जरूर ठाकुर जी। बोले तुमने ये तीन बार ताली क्यों बजाया, बोले पहला ताली के द्वारा मैंने ये बताया, अगर तेरे नाम को लेकर एक दिन देखूंगा कुछ खाना पीना घर में आता है कि नहीं। बोले दो बार क्यों बजाए, बोले दो दिन भी देख लूंगा। बोले तीन बार, बोले तीन दिन भी देख लूंगा घर में खाना पीना आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा ना फिर तो गले में कलसी बांध करके है, फिर गंगा सामने जो गंगा बह रही ना छलंग लगाकर फिर आत्महत्या कर दूंगा। बोले भगवान झूठ मूठ का बात बोल दिया गीता में। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उसका पीठ पर हाथ थपथपाए, हैं बोले देखो तेरे को मैं वरदान देता हूँ, भले ही लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी जो सारा दुनिया को जो खाना पीना देने वाली, धन दौलत देने वाली, भले ही लक्ष्मी को कभी दरवाजा दरवाजा में भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में कभी भी खाने पीने का तेरे घर में कभी कमी नहीं होगा, महापुरुष का वरदान है। इसलिए ये चौथा शरणागति किया है, कृष्ण जरूर मेरे को पालन करेंगे ही, क्योंकि हम उसकी राह पर उसकी भरोसा में हम बैठे, उसकी नाम कीर्तन भक्ति में बैठे हैं। दुनिया को जो खिलाने वाले क्या मेरे को नहीं खिलाएगा, हाँ जरूर खिलाएगा। कहती ये चतुर्थ शरणागति है, कहती जो पंचमा जो शरणागति है, पंचमा शरणागति क्या है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वास गोपतृते वर्णा तथा आत्म निक्षेप कार्पण्यम। जो पंचमा जो शरणागति, संपूर्ण रूप में ठाकुर के चरण के शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण रूप में उनके चरण में शरणागति हो जाओ, ठाकुर जी आज से मैं तेरा हूँ और तू मेरे हो, हाँ ये भाव, तू मेरे और मैं तेरा हूँ। और छठवां जो शरणागति हम्बलनेस, हाँ इसलिए मैं सबसे छोटा हूँ, हाँ जगत में सबसे मैं छोटा हूँ और सबके सबसे हमसे बड़े हैं, हाँ इसलिए सबको जीव रे सम्मान दिवे जानी कृता कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को सम्मान देनी चाहिए, अपने को दीन ही नहीं माननी चाहिए। इसलिए बोले तोद भृत 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 से भृत, हम तो तुम्हारी सेवक के सेवक के सेवक के मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वो जो ईशान था ना, जो पैसा लेकर के आया था, हाँ सोने की मोहर, बोले तू भजन करने का लायक नहीं, जब घर वापस चली जाओ, घर में वापस चली जाओ, हाँ हमने प्राइम मिनिस्टर पद छोड़ करके हम जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले कृष्ण के ऊपर भरोसा लेकर के, हम जब ठाकुर जी के ऊपर भरोसा लेकर जा रहे हैं, ठाकुर जरूर हमें पालन करेंगे, हैं और तुमने पैसा लेकर के तो रात में तो खत्म कर देती है, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। फिर महाप्रभु वहां से, श्री सनातन गोस्वामी वहां से, अकेले सनातन गोस्वामी वहां पर गए। बोले कहाँ गए, बोले उनका एक बहन हुई थी, उसका नाम था श्रीकांत, हाँ बहन समझ रहे हो ना, उनका बहन की बहन जहाँ पर शादी हुई है, हाँ उसका बहन की शादी हुई, उसका नाम था श्रीकांत। महाप्रभु ये सनातन गोस्वामी जाते समय उनके घर जब होते हुए गए, उन्होंने वो भी बड़े पैसा वाले,
उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गया। फिर उन्होंने उनको एक कंबल दिया, वो जो कंबल था बढ़िया सुंदर एक कंबल था, है बड़ा सुंदर कंबल था। फिर उन्होंने उसको ओढ़ करके जब चैतन्य महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु ने हैं चैतन्य महाप्रभु वो बारंबार वो कंबल के प्रति देख रहे थे, बारंबार नजर डाल रहे थे। फिर श्री सनातन गोस्वामी समझ गए महाप्रभु ये कंबल को लायक नहीं कर रहे, मैं जो इतना कीमती कंबल ओढ़ करके आया ना, क्यों सब छोड़कर आया ना साधु बनने के लिए, और इतने कीमती कंबल को मैं ओढ़ रहा हूँ, महाप्रभु बारंबार देख रहे, बारंबार देख रहे। सनातन गोस्वामी ने किया कि जब गंगा में नहाने के लिए गए, वो जो धोबी धोबी जानते हो, जो धोबी जो कपड़ा सब साफ सुथरा करके सुखाता है, उसने कहा भैया एक उपकार करोगे? बोले क्या उपकार? बोले ये हमारी जो कीमती जो कंबल को ले लो, और तुम्हारे जो फटे फटे जो ये है ना, उसको क्या बोलते हो हिंदी में, क्या बोलते हो जो ओढ़ते हो, हाँ जो तुम्हारे फटे फटे जो कपड़े, इसको मेरे को दे दोगे? भोट क्या उसको, उसको गुदड़ी कहते हैं बंगला में, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ फटे फटे उसको दो। बोले भैया इसको लेकर उसको दे दो। तो उन्होंने कहा भैया मेरे साथ में हंसी दिल्लो क्यों कर रहे हो, इतने कीमती कंबल दे करके फटे फटे क्यों हमारे साथ में हंसी दिल्ले क्यों कर रहे हो? बोले हंसी दिल्ले की नहीं, मैं सही सही बता रहा हूँ, उसको मेरे को दे दो। तो उन्होंने उनको दे करके एकदम फटे फटे साधारण चीज लेकर के जब ओढ़ कर गए ना, महापुरुष देखकर बड़े खुश हो, हाँ बोले ये सही है तुम्हारे लिए, बोले सही है तुम्हें, क्योंकि तुम जाओगे भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा दरवाजा एक एक रोटी और इतने इतने कीमती चीज ओढ़ करके जाओगे, लोग दुनिया लोग क्या बोलेंगे तेरे को, हाँ ये कैसे साधु है इतने कीमती चीज ओढ़ करके और आया एक रोटी मांगने के लिए आया घर में। इसलिए महाप्रभु बोले ये लोग उपहास करेंगे, फिर उन्होंने उसको भी उन्होंने त्याग दी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले क्या बोले, बोले भालना खाईवा और भालना पड़ीवा, बोले बढ़िया बढ़िया चीज पहनना नहीं, क्योंकि बढ़िया ज्यादा ज्यादा बढ़िया चीज पहनोगे ना फिर क्या करोगे, शीशा को सामने खड़े होकर देखोगे कैसे मैं लग रही हूँ, कैसे लग रहे हैं। फिर जब रास्ता में चलेंगे उस समय देखेंगे दुनिया मेरे को देख रहे है कि नहीं, आज हम इतने बढ़िया कपड़ा पहने कोई मेरे को देख रहे कि नहीं, हाँ। फिर ध्यान कहाँ जाएगी, ध्यान भजन में नहीं जाएगा, ठाकुर में नहीं जाएगा, ध्यान कहाँ जाएगा, ध्यान कपड़े में जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बोले भाल ना बड़ी बात, इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने उसको भी उन्होंने त्याग दिया, त्याग दे करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। अलिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, खत्म कर दे विजय की, और 5 मिनट सुन लो, ठीक है अभी बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। फिर उन्होंने वहां से फिर श्री सनातन गोस्वामी वहां से फिर जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में, फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनको साक्षात्कार होता है। फिर श्री सनातन गोस्वामी उनको बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं आप सब याद कर लेना, बोले के आमी केनो मोरे जारे तापत्रय, यहा नाही जानी कई छे मोर हित है, साध्य साधन तत्व पूछित ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहता अपन। ये उनका प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न उन्होंने किया है, हैं? पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ, हैं? इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं प्रभुपाद, प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं, देखो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य है ये चीज को स्थिर कर मैं कौन हूँ, फिर उसको बाद में फिर जाकर कहीं काम करोगे, हैं? अगर पहले अगर तुमको अपने आप को पहचान नहीं सके फिर तुम जो करोगे ना सब गड़बड़ी करोगे। इसलिए वो उदाहरण देते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाओ, बोले तुम क्या, तुम्हारे क्या क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर है, तुम डॉक्टर डिग्री, तुम भी वही की, फिर तुमको उसी हिसाब से नौकरी मिला। अगर तुमने इंजीनियरिंग की, अगर तुमको डॉक्टरेट का काम दिया जाए फिर तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने डॉक्टरेट की है, फिर डॉक्टरेट का काम तुम तो कर सकते हो ना, हाँ। इंजीनियर किसी इंजीनियर को बोल दो डॉक्टर का काम तो वो कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं, क्यों, वो इंजीनियर है वो डॉक्टर का काम कर ही नहीं सकता है। उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं पहले ये स्थिर करनी चाहिए मैं कौन हूं, उसको बाद में फिर साधन होगा,
पहले अगर खुद को अगर नहीं पहचानोगे फिर जो कुछ करोगे सब गड़बड़ी होगा। हाँ, इसलिए उनका पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? हाँ? मैं कौन हूँ? उसके बाद में बोले केरनम वरे जारे तापत रहे, जगत में कोई भगवान को कोई दुख चाहते हो? कोई कोई जगत में दुख भगवान कोई चाहते हैं ठाकुर जी को? कोई हम दुख नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सारा जीवन हम दो काम में जीवन बिताते हैं, सारा जीवन में हमने दो काम कर रहे हैं, क्या दुख हटाओ और सुख लाओ, ये कर रहे हैं ना। पढ़ाई कर रहे हैं सुख के लिए, शादी कर रहे हैं सुख के लिए, नौकरी करते हैं सुख के लिए, लास्ट में आत्महत्या भी सुसाइड भी सुख के लिए करते हैं। इसलिए सारा जीवन दो काम में सारा जीवन हमने बिताया, जीवन में सुख लाओ और दुख को भगाओ। लेकिन दुख अभी तक भगा पाए? अभी तक दुख हमने कोई भी नहीं भगा पाए। इसलिए इनका यही प्रश्न है, के न मरे जारे तापत रहे, हम तो कोई जीवन में दुख चाहते नहीं, फिर बिना निमंत्रण के ये दुख क्यों आता है घर में? ये तीन तरह का जो दुख है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का जो दुख जीवन में क्यों आ रहा है, प्रभु आप कृपा कर ये सारे तत्वों की बात हमें कृपा करके बताओ। पर चैतन्य महाप्रभु ने पर इसका उत्तर देते, क्या उत्तर दिया है? क्या उत्तर दिया? बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम कौन है? जीव का हमारा स्वरूप क्या? हम भगवान का नित्य ही उनका सेवक है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन, जो जीव है वो भगवान का अंश है, भगवान जैसे सनातन हम भी सनातन हैं, हैं? भगवान भी जैसे हम भी सनातन, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इसलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान की नित्य ही दास है। पर ये दुख फिर आया क्यों? ये दुख आया क्यों? बोले सारे दुख का एक ही कारण है, बोले कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। हम कृष्ण को अनादि काल से भगवान को हमने भूल गए, भूलने के नाते ये संसार, भगवान ने ये माया की संसार बनाए और जीव को इस माया के संसार में डाल दिया है। इसलिए हमें दो शरीर दे दिया, आत्मा को ऊपर में एक आवरणात्मिक और विक्षपात्मिक। आवरण मतलब जो खिति अब तेज मरुतु मुझे पंच भौतिक की, विक्षप मतलब जो सूक्ष्म शरीर दे करके हमें भगवान से हमें ये हमें बड़े दूर फेंक दिया। फेंक दिया तो आकर के यहाँ पर हम संपूर्ण भूल गए, अपने आप को भूल गए, भूल करके तरह तरह का परिचय दे रहे, हम कौन है? बोले मेरा नाम ये है, मेरे बीबी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मकान है, बस तरह तरह का हाँ झूठे परिचय में हम संसार में आ गए। फिर बोले सुख कब मिलेगा? अगर जीव अपना गलती को समझते हुए नहीं हम भगवान के नित्य सेवक है उनको भूलने का नाते दुख पा रहे हैं, अगर फिर अगर वो सदगुरु का चरण आश्रय करते हुए फिर भगवान की भजन करे तो फिर जीव का सारे दुख दूर हो जाएगा है? समस्त दुख दूर हो जाएगा, फिर बैक टू गॉडहेड, फिर अपना घर में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? ठाकुर जी के पास में पहुंच जाएंगे। फिर तो जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। फिर इसके बाद में क्या होता ना, फिर हम कल सुनेंगे। इसके बाद में भी उनकी बड़ी अच्छी अच्छी कथा है, इसके बाद में फिर सनातन गोस्वामी क्या जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, फिर कल से सुनेंगे, ठीक है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, बोलो जोर जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे।
Thank you.
महाराज का जो कॉलेज आई था और उसने और जो फट हुआ था हां बहुत है वीडियो है लेकिन तो वीडियो लिए तो जो नाच रहे थे तो लेना चाहिए आवाज भी आती है ना आवाज भी आती केशव गोस्वामी महाराज की जय मकलला प्रभुशक्ति भगवान श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय मकलला प्रभुशक्ति भगवान श्री ब्राह्मण गोस्वामी महाराज की जय मकलला प्रभुशक्ति भगवान श्री लक्ष्मी महाराज की जय श्री गौर गोविंद महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय रूपानंद गुरुवर्ग की जय सदाशिव गौर हरि की जय हरिनाम संकीर्तन की जय भक्ति तुलसीदेव की जय श्री गौर गोपीनाथ मदन मोहन की जय जय श्री हल्लांड वासी की भक्त वृंद की जय श्री परम पूज्य वासी भक्त गोपाल श्री बन महाराज की जय जय श्री माधव महाराज की जय चतुरथ महाराज की जय सिद्धार्थ महाराज की जय सपरिकर गौर हरि की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय विजय प्रभु की जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।